ड्रॉइड्स पूरी तेजी से चलाओ। तुम टकराने वाले हैं। जल्दी से स्टारबोर्ड की ओर मोड़ो। स्टारबोर्ड बाई तरफ है, बराबर दाएं। अरे अपने दाएं लो ना, बाया मतलब दाया है, हम नहीं बच पाएंगे। एक तुम एक माहिर पायरेट हो, कुछ करो जल्दी। पीछे लो। थोड़ा और तेज चलाओ ड्रॉइड। हम एकदम सही वक्त पर रुके हैं। मैं थका हूँ। रिचार्ज करो और चल पड़ो। चाहते चलो आगे बढ़ो, चलो आगे डायनासोर किंग तुम बनोगे। हाँ चलो आगे बढ़ो, चलो आगे, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। प्लास्टिक जायंट सारे साथ में है। देखो देखो अब आए हम डायनासोर में कितना दम, ये फिर से जिंदा हुए, आपस में कितना लड़े, भागो घर के बाहर खड़े। 14 लाख सालों पहले वो फिर वापस आ गया, राक्षसों से बड़ी, अब न जाने क्या होगा। डायनासोर किंग तुम बनना चाहते, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे डायनासोर किंग तुम बनोगे। हाँ चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। हाई सी चेस। उसे देख लिया, वैसे तो वो ठीक लग रहा है। हाँ मैक्स, अब तक तो ठीक ही है। देखो उनके जहाज ने कुछ उड़ा है। चिड़िया है। नहीं ये प्लेन है। नहीं वो तोता है। तोता भी तो चिड़िया होता है। मेरी हालत खराब हो गई है। चलो एक काम करते हैं, इसके बदले तुम हमें मैप का आधा हिस्सा दे दो। बिल्कुल नहीं, हम नक्शे का दूसरा हिस्सा कभी नहीं देंगे। हम उसे बीच भर दबकाने वाले हैं। अगर मैं अपने लाए तो तुम्हारे दोस्त का दिल खत्म। ये लो। ये लो। अरे ऐसा कोई बम गिराने से पहले ये भी नहीं कह सकते। उसने कहा था सामने देखो। अगर सामने देखते तो जरूर बच जाते। और अगर हमने उन्हें नक्शा नहीं दिया तो वो जिम का काम तमाम कर देंगे। वो भले ही बहादुरी दिखाता है मगर उनके सामने तो वो 2 मिनट भी नहीं टिक सकेगा। लेकिन अगर उन्हें नक्शा मिल गया तो वो हीरा भी खोद निकालेंगे और फिर जिम का खेल खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि तब वो उसे छोड़ दे, कहा तो यही था। चलो एक काम करते हैं, हम उन्हें नक्शा दे देते हैं और फिर उनका पीछा करते हैं। शायद वो जानते हो कि हमारे पैरेंट्स कहाँ हैं और हमें अपने पैरेंट्स को बचाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बात तो सही है। वो तो ठीक है मगर जिम के गाँव का क्या होगा? जैसा कि वो कह रहा था, वहाँ के लोग बहुत बीमार हैं और सिर्फ वो हीरा ही उन्हें ठीक कर सकता है। नक्शा हमारे पास है मगर जिम कहाँ है? हम बन गए अमीर। इनके साथ कोई सौदा मत करना, इन्हें वो नक्शा मत देना मैक्स। नहीं दूंगा तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वाह ये हुई ना बात, चलो ए, चल मेरे साथ। हीरा हमारा होगा और ये लूजर तुम्हारा। ये लो। मुझे वो नक्शा दे दो। जिम तुम ठीक हो ना? हीरा हमारा, ये लूसर तुम्हारा। जिम जिम तुम ठीक हो ना? तुम्हें देखने के बाद मैं वैसे ही ठीक हो गया हूँ जोई। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। तूफान आ रहा है। तूफान आ रहा है। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। अब हम क्या करें कैप्टन? हमें आगे भी उफनते समंदर में जाना है, इसलिए तूफान थमने का इंतजार करना होगा। ठीक है, सुनो बाल समेट लो, बाल समेट लो, बाल समेट लो। चलो जल्दी करो साथियों, बाल समेट लो, बाल समेट लो। क्या कह रहे हो, तुम भी कैसे पायलट हो? हमें खजाना ढूंढना है और तुम बाल समेटने को कह रहे हो? क्या कहा? मैं हूँ ब्लैक बियर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट। तो फिर तुम दुनिया के सबसे बड़े खजाने के इतने करीब आकर एक तूफान के डर से क्यों रुक रहे हो? अच्छा दुनिया के सबसे बड़े पायरेट ये बताओ,
तुमने कभी स्पेस कछुए और स्पेस खरगोश की कहानी सुनी है? क्या? स्पेस कछुआ और खरगोश? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे खरगोश जितने तेज है और कछुए जितने स्टेडी भी, और वो तूफान से भी नहीं डरते हैं, समझे? हमारा मतलब है कि वो हमसे पहले पहुँच जाएंगे। ये नहीं हो सकता, उस खजाने का पूरा नक्शा तो हमारे पास है। हम इतने बड़े खजाने के लिए खतरा क्यों उठाए जब दुनिया का सबसे खतरनाक पायरेट थोड़ी तेज हवा और बारिश से डरता है? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मगर कैप्टन, वो तूफान। वो तूफान भी मुझसे डर कर भाग जाएगा। चलो जवानों, पाल चढ़ाओ, हम खजाने की खोज में जा रहे हैं। अच्छा, पाल चढ़ा दो, हम जा रहे हैं। ब्लैकबियर्ड का जहाज जा रहा है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें उसका पीछा कर रहा है। नहीं, हम दूर से ही उनका पीछा करेंगे ताकि वो हमें देख ना पाए। अगर हवा बदलती है तो वो निकल जाएंगे और हमें हीरा नहीं मिल पाएगा। जेम, तुम ये भूल रहे हो कि हमारे पास एक एडवांस रेडार सिस्टम है जिससे हम ब्लैकबियर्ड के जहाज को देखते रहेंगे। मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। अगर ब्लैकबियर्ड हमसे पहले उस हीरे तक पहुंच गया तो मेरा गांव बर्बाद हो जाएगा और मेरे डैड, वो भी उनके कब्जे में है। आखिर तुमने नक्शे का दूसरा हिस्सा ब्लैकबियर्ड को क्यों दे दिया? मैक्स, क्या कहा? हमने तुम्हें बचाने के लिए उस नक्शे का टुकड़ा दिया था। अगर तुम उसकी पकड़ में नहीं आते तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर तुम अकेले नहीं हो जो अपने डैड को बचाना चाहते हो। रेक्स, ज़ोई और मैं भी अपने पेरेंट्स को बचाना चाहते हैं। अरे हाँ, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। ठीक है, सुनो, हमारे पास आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। हमें एक साथ रहना होगा, तभी हम ब्लैक बियर्ड से पहले उस हीरे तक पहुंच सकते हैं। हम उनसे लगातार दूर से दूर ही होते जा रहे हैं। हम पायरेट्स की पुरानी कहावत है, जो हवा थमती है वो फिर से तूफान बनने वाली होती है। मुझे तो लग रहा है कि मैं एक जेट प्लेन बनकर आसमान में उड़ रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें लगेगा कि तुम मछली बनकर समंदर में तैर रही हो। हे अर्सुला, तुमने मुझे अभी अभी एक कमाल का आइडिया दिया है। कैसा आइडिया? हम अपने जेट्स चला लेते हैं। Encoded by Singh Inderjeet YouTube channel. अरे इसके पैसे मुझे तो नहीं देने पड़ेंगे। नहीं देने पड़ेंगे, जैंडर देने वाला है। साथियों, जोर से पकड़े रहो। हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है। तेज होता जा रहा है। कैप्टन सर, डर है कि हमारा जहाज खतरे में है। तुम इतने कमजोर हो क्या? इतनी सी हवा से डर गए? जमीन है, सामने टापू है। जहाज रोको, पीछे डेक पे जाओ। ये क्या? वैसे वही बच्चे। वो ऐसा कैसे कर रहे हैं? हवा से तेज कैसे जा रहे हैं? ये खरगोश की तरह तेज है और कछुए की तरह स्टेडी। मैंने पहले ही कहा था कि उनसे सावधान रहना। वाह, बहुत अच्छे, हमें थोड़ा और आगे जाना है। कुछ तो गड़बड़ है, हमारी स्पीड कम हो रही है। डॉक्टर जी, ये क्या हो रहा है? मेरा नाम व्हाइट बियर्ड है। एट, ये जेट्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है बैटरी खत्म हो रही है। ये जेट्स बैटरी से चलते हैं। मैं उन्हें रिचार्ज करना शुरू कर देता हूँ। इस तूफान में तो हम डूब जाएंगे। इस जगह को शार्क बे कहते हैं। शार्क बे? शार्क से आगे निकल सकता हूँ। हाँ, तुम कर सकते हो। और अगर हम डूब गए तो मुझे भी अपने साथ जरूर ले जाना। मैं इस जहाज को डूबने नहीं दूंगा।
तूफान, इसी वक्त शांत हो जाओ। कैप्टन, ऐसा लग रहा है कि अब ये टूटने वाला है। बाल चला लो साथियों, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रुक जाओ, बाल चढ़ा लो, बाल चढ़ाओ, जल्दी करो, यहाँ से निकलना है, जल्दी करो। यकीन नहीं होता कि ये भी पायरेट्स हैं। चलो अब और देर नहीं कर सकते। सी मॉन्स्टर हमारे जहाज के सामने। ओके चौबारिया, हमें उस टापू पर ले चलो। देखो चौबारिया, और वो उन्हें खींच रहा है। वक्तों भी तेज है। सुनो दोस्तों, हम अपने पाल नहीं चढ़ा सकते। हाँ ठीक है, अब जंप हमारा काम करेगा। अरे नहीं, ये सब सी सिक है। मेरे पास एक रास्ता है, फिकर मत करो। क्या उपाय है? ये है पिकल प्लम्स। मगर इससे क्या होने वाला है डॉक्टर जी? ए कहाना, मेरा नाम व्हाइट बियर्ड है और ये पिकल प्लम्स है। ये तो सी सिकनेस का बड़ा ही पुराना इलाज है, मगर वो तो गिर गए। जल्दी करो, हमें पिकल प्लम्स को बचाना होगा। यो हो हो। अरे वो पिकल प्लम्स जल्दी से लाओ, क्योंकि मैं अब सी सिक हो रहा हूँ। लेकिन तुमने अभी अभी तो खाया है। खाया है। अरे बेवकूफ, सी सिक होने पर उसे खाते नहीं है, उसे अपने बेली बटन में रखते हैं। ये एक पायरेट इलाज है। मुझे तो लगता है कि ये दादी माँ का नुस्खा है। तुमने मुझे दादी माँ कहा तो क्या हुआ, अगर ये दादी माँ का नुस्खा है पर ये काम तो करता है। अरे ये देखो, मैं प्लम्स ले आया। वाओ जेंड, तुम जॉम को पकड़ो ताकि हम उसके बेली बटन में भी इसे डाल सकें। ठीक है, पहले इसका इलाज करते हैं, फिर हम पायरेट्स को पकड़ते हैं। क्या हो गया एड? हे जॉम को कुछ हुआ है क्या? नहीं हो सकता, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका बेली बटन वो तो है ही नहीं। वो तो हमें पता ही है, क्योंकि बेली बटन तो सिर्फ मैमल्स में होता है। कई बार लोग यही सोचकर ठीक हो जाते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। सुनो जॉम, ये है तुम्हारा बेली बटन। अब हमारे पास भी सी सिकनेस का इलाज है चॉम्प। ये शायद काम कर जाएगा, क्योंकि हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। अरे नहीं, ये जहाज डूब जाएगा। तुम कर सकते हो चॉम्प। डायनो स्लैश, ट्राइसेराटॉप्स, हमला करो। बारिश वाले बादल हैं, बर्फ बना दो। लाइटनिंग स्ट्राइक। कमाल है, मैं ये सब पहली बार देख रहा हूँ। शाबाश चॉम, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो अब हम ब्लैक बियर के जहाज का पीछा करते हैं। लगता है तूफान भी मेरे डर से भाग गया। सामने देखो, कोई आ रहा है। क्या? सामने देखो। हाँ सुन लिया। मैं अब तुम बेवकूफ पायरेट्स को बताता हूँ कि दुश्मन को कैसे ठिकाने लगाते हैं। चुबारिया, और मुसीबतों को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो। चुबारिया इसी तरफ आ रहा है। पानी में वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम उसकी फिक्र मत करो। हम पायरेट्स हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हम जिस रूप में रहते हैं उसकी तरह ही काम करते हैं। देखा स्लैश, क्रश आउट स्पाइनोसॉरस। अब इसे स्पेक्ट्रल आर्मर दे देना चाहिए। एलिमेंट बूस्टर, डायनो
projector on. अरे वाह, एलिमेंट बूस्टर से तो तुम्हारी गर्दन और सुंदर हो गई। ओशन प्लैनेट। ये तो ऑप्थेल्मोसॉरस है। मैक्स, ये लोग तो उन डायनासोर की लड़ाई देख रहे हैं। इतनी देर में हम दोनों जाकर वो नक्शा उड़ा ले क्या? चलो, मगर हम वो नक्शा उड़ाएंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने उड़ने वाले डायनासोर पर चलें और अचानक ही उनके जहाज पर उतरकर उनका नक्शा उड़ा लें। मेटल विंग ले लो। वही सही रहेगा, मेटल विंग ले जाओगे तो टेरानोडॉन की सवारी कर सकते हो। कमाल है। हाँ, तुम तारीफ करने के अलावा कर ही क्या सकते हो? तुम कैसे पायरेट्स हो जो लड़ाई लड़ने की बजाय खड़े खड़े देख रहे हो? Encoded by Singh Inderjeet YouTube channel. ये क्या, वो उड़ के आ रहे हैं? शायद हमें देख लिया गया है। हा? अरे, अब ये जिम कहाँ चला गया? जिम, कहाँ हो तुम? साथियों, उन पर हमला करो। ये तो कमाल का है, वो चिड़िया मार रहे हैं मगर मछली पर किसी का ध्यान नहीं। जल्दी करो, उन्हें मार गिराओ। बस अब रुक जाओ बच्चे। वो खजाने का नक्शा ले गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब तुम्हें शार्क का खाना बनना पड़ेगा। अब तुम्हें शार्क का खाना बनना पड़ेगा। मैक्स, जिम, चलो पकड़ लो। मिल गया हमें वो नक्शा, फिर से मिल गया। स्पाइनी, अब ये खेल खत्म करो। अल्टीमेट वाटर। चाहिए हम अभी
बादशाह है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। हे दोस्तों, तुमने कर दिखाया। अच्छा तो तुमने मेरी गर्दन फंसा दी और खुद वो बोट लेकर खिसक गए हम। कुछ भी किया हो पर जीत तो हमारी ही हुई ना। पहली बाजी वो जीत गए हैं, लेकिन अब दूसरी बाजी हमारी होगी। मैं मदद लेकर आता हूँ। अटेंशन पायरेट्स, अपने पाल गिरा लो और जल्द से जल्द सरेंडर करो। कैप्टन, ब्रिटिश नेवी आ गई है। आने दो उन्हें, मैं इन कीड़े मकोड़ों से नहीं डरता। हमें हीरा ढूंढना है, इसलिए हम अभी नहीं रुक सकते। अरे वो देखो, ब्लैक बियर्ड भाग रहा है। अच्छा हुआ कि वक्त पर नेवी आ गई। व्हाइट बियर्ड, तुम्हें सरेंडर करने के लिए 10 सेकंड दे रहे हैं, उसके बाद हम हमला कर देंगे। ये पायरेट्स बनने का आइडिया ही बहुत बुरा था। हे नेवी कैप्टन, हम पायरेट्स नहीं हैं। फायर! दोस्तों, सब अपनी अपनी जान बचाओ। King is what you wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. The past is in the present. Time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny,